देखिए बच्चों करना है गुणनखंड, छह संख्या है, छह है ना जी। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? जैसे बड़ी सी एक चाक है, ये चाक को जितने छोटे टुकड़ों में हम कर सकते हैं उतने छोटे टुकड़ों में कर देना है, जितने में आसानी से टूट जाए। तो चाक तो ये टूट गई ना, ये देखिए चाक टूट गई है जी। अब इसको जो है, अब चाक वही बड़ी वाली है, छोटी दूसरी है वही तो है जी। अब यही चाक जो है, ये इसी तरह से चाक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाक वही है लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, तो छह वही है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना है, ठीक है। अब सबसे छोटी गिनती दो, सबसे छोटी गिनती दो। इसमें ये नहीं दिया गया है कि किससे हमको भाग देना है, कहाँ से घुला होगा, ठीक है। इधर देखो सब लोग, कहाँ किससे भाग देना है ये सब नहीं दिया गया है, इसको अपने आप से हमें पता करना है कि हम किससे भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या से भाग दे करके देखेंगे, सबसे छोटी संख्या है दो, इसको दो से भाग दे के हम देखेंगे और दो का पहाड़ा पढ़ेंगे कि छह से ज्यादा ना हो, छह के बराबर होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा? तीन बार जाएगा, दो तिहाई छह। अब ये गिनती देखेंगे नीचे की क्या गिनती आई। अब इस गिनती को हम फिर से और छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो ये तीन है जी। तीन को और छोटा नहीं कर सकते हैं, ये तीन और किसी संख्या से नहीं कटेगी, तीन स्वयं से तीन से ही कटेगी, तीन एक का तीन। इस तरह से गुणनखंड बराबर हो जाएगा, इसका छह का गुणनखंड बराबर हो जाएगा कितना, दो गुणे तीन, कितना हो गया दो गुणे तीन, दो तिहाई चार। तो चाहे दो गुणे तीन लिखो चाहे छह लिखो कोई दिक्कत होगी है? जैसे चाक का ये पूरा टुकड़ा रहे या कि छोटे छोटे टुकड़ों में रहे तो चाक तो उतनी बड़ी होगी ना जी। तो वैसे ही दो तिहाई छह कहो या कि पूरे छह कहो बराबर हो जाएगा। तो छह को छोटे छोटे टुकड़े में, किसी गिनती को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही गुणनखंड है। सबकी समझ में आया कि नहीं आया? सबकी समझ में आ गया जी।